हेलो डियर स्टूडेंट एक बहुत ही एक्साइटिंग सा क्वेश्चन करते हैं और उस क्वेश्चन में आपको दो नई चीजें सीखने को मिलेगी पहली चीज टाइम एवरेज वेलोसिटी और दूसरी बात स्पेस एवरेज वेलोसिटी आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यार जहां पर भी कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता है हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना होता है द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलासटी टू द टाइम एवरेज एवरेजीज ये मुझे पूछा गया है देखो यार क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले जानना पड़ेगा कि टाइम एवरेज वेलोसिटी और स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या होती है एक एवरेज वेलोसिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में जिसका एवरेज निकाला जाता है आप लोग जानते हो कि फिजिक्स में कभी भी हम लोग जब एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज का एवरेज तो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवेल जैसे एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और अगर उनके सबका एवरेज मार्क्स निकालना हो तो क्या करेंगे सबके मार्क्स को पहले जोड़ेंगे मतलब इंटीग्रेट करेंगे और जिस भी रेंज के लिए वो मार्क्स आए हैं जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या को डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा ही हम लोग यहाँ पे करते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी अगर आपको निकालना है तो आपको पहले इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम ठीक है क्योंकि टाइम एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाई जो जो इंटरवेल है उसे डिवाइड करेंगे जैसे मान लीजिए जी, मैंने जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर मैं लिमिट लगाऊंगा टाइम की जीरो से लेकर टी तक ये टाइम एवरेज वेलासिटी होती है स्पेस एवरेज वेलोसिटी जो होती है ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन निकलती है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन हमको इसका एवरेज निकालना है एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन निकालना हो, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा वी का पोजीशन के रेस्पेक्ट में ओके okay? और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ds यहां पर हम लोग जो भी लिमिट होगी पोजीशन की वो लिमिट लगाएंगे ओके okay? तो ये दोनों में ये फार्मूले तैयार हुए अब मैं करना शुरू करता हूँ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी देखो यार एक काम करते हैं सबसे पहले टाइम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं टाइम एवरेज वेलोसिटी ठीक है और उसके बाद में स्पेस वाला निकालेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन पी टी टी अपन जो भी टाइम के लिमिट्स है वो लगाएंगे टी सिक्स टू जीरो से मोशन स्टार्ट हुआ है और टी टाइम तक लगानी है यहाँ पे भी ये मैंने लिमिट्स लगा दी देखो यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और एक खास बात दी हुई है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ये स्पेसिफाई कर दिया एग्जामिनर ने कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है मोशन यू जीरो है तो यार अगर मेरे को वी कैलकुलेट करना है तो क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा सकता हूँ बिल्कुल वी इजिकल्स टू यू प्लस ए टी होती है फर्स्ट इक्वेशन यू की वैल्यू जीरो है तो मुझे हक़ हाँ है कि मैं वी की वैल्यू ए पुट कर सकता हूँ सोगाइज़ so मैं वी की वैल्यू ए पुट करने जा रहा हूँ तो वी की जगह मैंने ए टी पुट कर दिया नाउ दिस इज डी टी ए तो कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर लगा दिया और लिमिट लगा दी जीरो से टी नीचे इंटीग्रेशन डी टी किया और लिमिट लगा दी ज़ीरो से लेकर टी ए इज़ अ कॉन्स्टेंट टी का इंटीग्रेशन कितना होता है टी स्क्वायर बाई टू लिमिट जीरो से टी लगा देना और इंटीग्रेशन डी टी बराबर होता है टी लिमिट ज़ीरो से टी लगा देना तो ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई टू है ना क्योंकि लोअर लिमिट तो जीरो है, तो ज़ीरो हो जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब टी माइनस जीरो इसको मैं टी ही लिख सकता हूं दिस इज एटी स्क्वायर अपॉन टू टी एंड हो गया आपका हाफ एटी ओके दिस इज टाइम एवरेज वेलोसिटी ये क्या है दिस इज टाइम एवरेज वेलोसिटी तो कभी आपसे सिर्फ टाइम एवरेज वेलोसिटी पूछे तो आप हाफ एटी बोल सकते हो ओके नाउ स्पेस एवरेज वेलोसिटी स्पेस एवरेज वेलोसिटी ये क्या होती है जैसे कि मैंने आपको बताया पोजीशन के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कीजिए तो वी डी एस और इंटीग्रेशन डी एस देखो तो यार अभी एक बात मैंने आपसे शेयर करी थी एक फॉर्मूला आप लोगों से शेयर किया और वो फॉमूला था v इज इक्व टू ए टी का क्योंकि v बराबर u प्लस ए टी था जिसमें u की वैल्यू मैंने जीरो पुट कर दी थी बट यहाँ पे मेरे को डी एस की फॉर्म में, में मेरे एक्सप्रेशन को चेंज करना है तो क्या मैं v को डी एस अपन डी टी लिख सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ही तो वेलोसिटी होती है डीएस अपन डी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ए टी डी टी से ओके okay? so, जब मैंने इसको इससे रिप्लेस किया तो देखो क्या हुआ पुट कर सकता हूँ पुट कर सकता हूँ ए टी डी टी यहाँ से लिया मैंने इसको डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन डीएस डीएस की जगह ए टी डी पुट कर इंटीग्रेट कर दिया टाइम की लिमिट लगा थी जीरो से टी टाइम की लिमिट लगा दी जीरो से टी मैंने पोजिशन को टाइम की फॉर्म में चेंज कर लिया क्यों किया है ये आपको अभी पता चलेगा ए uh, और ए मल्टीप्लाई किया तो ये ए स्क्वायर हो गया टी एंड टी मल्टीप्लाई किया तो टी से टी ए को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया और टी को इंटीग्रेट कर दिया जीरो से टी लिमिट लगा दी देखो यार ये ए से ए कट गया एंड ये ए हो गया स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन थ्री होगा क्योंकि लोअर लिमिट जीरो तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं इधर और टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई टू होगा अब देखो मुझे क्या करना है ये हो गया आपका ए टी क्यूब अपॉन थ्री और ये है टी स्क्वायर अपॉन टू टी स्क्वायर अपॉन टू काट दस को ये लीजिए ये आ गया टू बाई थ्री एटी एवरेज वेलोसिटी आया विद वे रिस्पेक्ट टू स्पेस बट मैंने टाइम की टर्म्स में निकाला कारण ये कि मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना था यार ये टाइम एवरेज वेलोसिटी थी और ये स्पेस एवरेज वेलोसिटी ये दोनों मैंने टाइम की टर्म्स में निकाली मुझे स्पेस एवरेज वेलोसिटी टाइम एवरेज वेलोसिटी का रेशियो चाहिए टू बाई थ्री एटी एंड ये था आपका हाफ एटी सो दिस इज हाफ एटी वो मैंने टाइम की फॉर्म इसलिए चेंज किया था क्योंकि यार मेरे को इस टाइम को हटाना था है ना ये हटेगा तभी जब दोनों टाइम की टर्म्स में होगी इस टू को अब ऊपर ले जाइए तो ये हो गया फोर अपॉन थ्री दिस द रेशियो ऑफ वेलोसिटी स्पेस टाइम एवरेज एंड दिस इज टाइम एवरेज स्पेस के रिस्पेक्ट में एंड दिस इज अबाउट टाइम सो द रेशियो इज फोर बाई थ्री द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फोर बाई थ्री मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके रिजल्ट को याद भी रखें डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आपका टाइम बचाएगा this स्पेशल सेशन में आपने टाइम एवरेज वेलोसिटी स्पेस एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन देखा कैसे मैंने कैलकुलेट किया वो देखा खूब मेहनत करो जो भी आपने सपना देखा है पूरा करो यू ऑल द बेस्ट